रहा राजिम कुंभ। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ इसकी होगी शुरुआत और हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं। त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को कर रहे अर्घ्य अर्पित। आज शाम राजिम कुंभ भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए गरियाबंद की, जहां आज से राजिम कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में उमड़े भक्त और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। सुबह की ये तस्वीर देखिए, माघ पूर्णिमा पर लोग जो है स्नान करने पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राजिम त्रिवेणी संगम की ये तस्वीर देखिए, सोलू पैरी और महानदी के इस संगम में भक्तों का जो है तांता आप देखिए, जो इस वक्त माघ पूर्णिमा में वो स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं से। पुण्य स्नान करके कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप कहाँ से आई है? मैं भी यहीं से हूँ। राजा कहना चाहेंगे आप? पुण्य स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमको इससे पुण्य की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप कहाँ से आए? देहोक से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पुण्य के स्नान करके, और मैं तो प्रत्येक वर्ष आते रहता हूँ यहाँ जी। आप बताइए कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं काफी दूर से आया हूँ, मैं जगदलपुर से यहाँ पे आया हूँ आज इस उत्सव को मनाने के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये दिन बहुत ही शुभ होता है और इसी शुभ दिन का मैं आज ये पूरा लाभ उठाने के लिए इतने दूर से आया हूँ, और यहाँ आके जो मैं सोचा था उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे मिली है और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है। आज पूर्णिमा पर ये सुबह की तस्वीर हम आप दिखाए, जहाँ आस्था का एक बड़ा जनसैलाब आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीर हम राजिम के त्रिवेणी संगम से आपके बीच लाए हैं। न्यूज 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। जिक्र बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की।